शहर में इन दिनों बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 7 तारीख से 13 तारीख के बीच चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा और उनके दिव्य दरबार के दर्शन करने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस कथा में 4 से 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के तमाम अंदर दामाद देखे जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी को अन्य जगहों से भी बुलाया गया। इसी कथा स्थल के नजदीक हाईवे बाईपास पर नई शराब दुकानें भी खोली गई है, लेकिन दुकान प्रारंभ होने से पहले कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया, जिसे देखते हुए शराब ठेकेदार मनीष जाट और उदल यादव ने स्वेच्छा से इस दुकान को कथा चलना तक बंद करने का ऐलान किया है। इस निर्णय को लेकर और आयोजक बटुक महाराज संचय प्रजापति राम शर्मा और अन्य लोगों ने ठेकेदार का आभार प्रकट किया। बता दें कि शराब दुकान इतने दिन बंद रहने से ठेकेदार का लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बावजूद इसके धर्म की राह पर चलते हुए उन्होंने इस दुकान को बंद रखने का निर्णय लिया। दारू की दुकानें जो बंद हुई हैं, उनने स्वेच्छा से निर्णय लिया, तो हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं उनका। और सनातन के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को जो उन्होंने सम्मान किया है, तो इसमें एक मनीष भाई साहब हैं और एक उदल यादव जी हैं, इन दोनों का हम बहुत साधुवाद वंदन अभिनंदन करते हैं कि इनने स्वागत योग निर्णय है ये। और ऐसा हमने पहली बार ही देखा कि दारू के ठेकेदारों ने और सनातन के कार्यक्रम के लिए अपनी दारू की दुकानें बंद करी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोगों ने देखा था उस दिन यहाँ से जाते हुए कि वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं दारू पी के, तो हमें ऐसा लगा कि ये कुछ दिन जब तक कथा चलेगी ये बंद रहें तो अच्छा है। लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि ठेकेदार साहब जो हैं उदल यादव जी और मनीष जाट जी, उन्होंने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है कि जब तक कथा चलेगी वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो ये स्वागत योग्य उनका निर्णय है। हमारी अंगद सेना और समिति इस निर्णय का लेने पर उन्हें साधुवाद देती है, उनका हार्दिक धन्यवाद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, भावनाएं सबकी होती हैं, उनको भी कहीं लगा होगा तो कहीं ना कहीं आदमी पुण्य कैसे ही कमा ले, उन्होंने भी इसमें अपने लाखों का घाटा खाया है। इसी निर्णय के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, समिति की ओर से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं।